हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उपमा। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उपमा बनाने की सामग्री है 1 कप सूजी या रवा, 1 बड़ा प्याज जिसे हमने बारीक काट लिया है, 1/2 कप फ्रेश मटर, 1 गाजर को हमने बारीक काट लिया है, 1 छोटी चम्मच चीनी, 1 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल, 1 बड़ा चम्मच तेल, पानी, 1 टमाटर को हमने बारीक काट लिया है, 6 से 7 करी पत्ता, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा पिंच हींग, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच राई या सरसों, 2 काजू गार्निश के लिए। पैन गरम हो गया है। सबसे पहले हम सूजी को भून लेंगे। आंच को धीमी रखेंगे और हल्का ब्राउन भूनेंगे। देखिए सूजी का कलर बदल गया है। हमने लाइट ब्राउन भून लिया है। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमने जिस कप से रवा लिया था उसी कप से हम 2.5 कप पानी लेंगे। दो कप टोटल 2.5 कप पानी है और अब हम गरम कर लेंगे। पानी को हम दूसरी ओर गरम करेंगे और यहाँ पर हम तड़का लगाएंगे। पैन गरम है। तेल डालेंगे, राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, उड़द की दाल डालेंगे, हींग डालेंगे, दाल ब्राउन हो गई है, करी पत्ता डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर, मटर और गाजर। 1/2 कप पानी डालेंगे, मिला लेंगे, कवर करके सब्जियों को पकाएंगे। आंच को धीमी रखेंगे। चेक कर लेते हैं। देखिए सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम भुना हुआ रवा डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, मिला लेंगे। हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम गरम पानी डालेंगे। 1 कप रवा के लिए 2.5 कप पानी डालेंगे। गरम पानी है। अब हम ढककर 5 से 6 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा सूजी पक गया है और अब हम गैस को बंद करेंगे। उपमा हमारा बनकर रेडी है। उपमा बनकर तैयार है। उपमा की गार्निश हम काजू से करेंगे। जब भी आपको भूख लगे आप इसी तरह से झटपट नाश्ता बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।